क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के अंदर आज भी कुछ ऐसे कीमती मेटल मौजूद है कि अगर हम इन सब को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारी धरती पर इसकी 4 मीटर मोटी एक लेयर बन सकती है। गोल्ड यानी कि सोना एक काफी कीमती धातु है और हमारी धरती के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फैक्ट यह है कि यह इस जमीन पर पैदा नहीं हुआ बल्कि कई अरब साल पहले गैलेक्सी में मौजूद सितारों की वजह से है, क्योंकि ये सितारों के मरकज के अंदर पैदा होता है और जब ये सितारे किसी बड़े एक्सप्लोजन के साथ फटकर खत्म होते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं और अपने आसपास मौजूद जगहों पर फैल जाते हैं। और जब हमारी धरती बन रही थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले किसी सितारे ने हमारी धरती को टक्कर मारी और आज हम इंसानों को वो सोना देखने को मिला जो कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गोल्ड की एक और जरूरी फैक्ट जो कि इसे और भी ज्यादा कीमती बनाती है वो है कि ये नमी और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पर इसे जंग नहीं लगती जैसा कि लोहे को लगती है, या फिर चांदी काली होना शुरू कर देती है और कॉपर ग्रीन। इसीलिए इसे धरती से निकालने पर भी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसको काम में लेने के लिए अपनी मनपसंद शेप में डालना पड़ता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जिस देश के पास है उसका नाम है अमेरिका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 8,133 टन गोल्ड की स्टोरेज मौजूद है जिसकी तकरीबन कीमत होती है $372 बिलियन, जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी का नाम आता है जिसके पास 3,369 टन सोने के भंडार है जिनकी कीमत होती है तकरीबन $154 बिलियन। जबकि हमारी इस दुनिया के पास जो अब तक का निकला हुआ टोटल सोना मौजूद है वो होता है तकरीबन 34,700 टन।